नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। सूबे के विधायक अपने विधायक कोष में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सामूहिक रूप से चिट्ठी लिख चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि उनका विधायक कोष बढ़ाया जाए। देखा जाए तो कल तक जो आपसी राह थी, तकरार थी, जो सारे गिले शिकवे थे, अब वो सारे दूर हो चुके हैं, क्योंकि अब सारे दलों के विधायक एकजुट हो चुके हैं। ये विधायक किसी आमजन की समस्या पर एकजुट नहीं हुए हैं, बल्कि इनकी ये अपनी निजी नहीं बल्कि निधि समस्या है। उनकी इस समस्या और समस्या के समाधान पर हम चर्चा करेंगे। तो माननीयों की माने तो विकास के लिए नहीं, जनता के कामों के लिए नहीं, तो ये विधायक निधि किस काम की? लेकिन क्या जिस विकास की आस के साथ लोगों ने अपना विधायक उन्हें चुना था, उनमें से अधिकांश अपने फंड का उपयोग क्या कर पाए? नियम है कि हर विधायक अपने कोटे से हर साल 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर जनहित के काम करवा सकता है, लेकिन क्या प्रदेश के विधायकों के विकास कार्यों का रिकॉर्ड खंगाला गया? और जरा सोचिए, क्या ऐसी एकता उस वक्त आती है जब आम जन का मुद्दा होता है, उनकी दिक्कतों को जड़ से उखाड़ फेंकना हो, तब ऐसी कोई नजर हम नहीं देख पाते हैं। उसमें तो राजनीति हावी होने लगती है, सियासत जोर मारने लगती है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो ये एक हो जाते हैं। तो क्या वाकई जरूरत है विधायक कोष में बढ़ोतरी की? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय विकास एक बड़ी समस्या है। विधायकों की तरफ से क्षेत्र का विकास न कराने को लेकर तमाम सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन अब इन सवालों को ही हथियार बनाते हुए विधायकों ने विधायक निधि बनाने की मांग की है। दरअसल राजस्थान में विधायकों को करीब 2.25 करोड़ रुपए फंड मिलता है, जिससे वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य करवाते हैं। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, विधानसभा क्षेत्र का बड़ा विस्तार, विधायकों के समक्ष आम जन की फरियादें बढ़ने, जन अपेक्षाओं को पूरा करने और विधायकों को आर्थिक अधिकार के लिए सभी दलों के विधायक लामबंद हैं। इसीलिए विधायकों ने सामूहिक रूप से चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से विधायक निधि की राशि में बढ़ोतरी कर इसे 5 करोड़ रुपए करने की मांग की है। देखिए, पिछली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जब 2008 से 13 में बने थे, तो उस समय सिर्फ 80 लाख रुपए एक विधायक का विधायक कोटा होता था। उस विधायक कोटे को 2 करोड़ तक करने की घोषणा भी अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के समय हुई थी। और जो विधायकों की मांग है, महंगाई बढ़ रही है, आज कंस्ट्रक्शन की लागत बहुत ज्यादा बढ़ी है। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और हमारी कोशिश है कि हमारे इलाके के लोगों में जनहित के काम कराने में 2.25 करोड़ रुपए बहुत कम होता है। 7 पंचायत, 1 नगर पालिका का बड़ा इलाका है। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि 10 करोड़ रुपए कम से कम विधायक कोष के अंदर होने चाहिए, जिससे हम लोगों को समान भाव से कुछ न कुछ बजट आवंटित करा सकें। बजट 2.25 करोड़ में क्या होगा? सारे विधायक इस बारे में एकमत हैं, लेकिन सरकार क्या फैसला लेती है अभी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। मांग मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई है, फैसला सरकार को मुख्यमंत्री जी को लेना है। उनसे एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि इस राशि को बढ़ाया जाए। इसलिए तो हमने कहा ना, मुख्यमंत्री जी क्या फैसला लेते हैं ये निर्भर करता है पूरी जो आर्थिक स्थिति है उस पर, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उचित फैसला लेंगे। लेकिन जब सब विधायक मिलके इस बात को कह रहे हैं, यानी कि पूरे राजस्थान की जनता कह रही है, क्योंकि पूरे विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मुझे लगता है 5 करोड़ में तो बीच में कुछ एक बात पर सहमति हो जानी चाहिए कि राशि बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, बीएसआर रेट्स बढ़ गए, उस हिसाब से विधायक राशि का बढ़ना जायज है। मुझे लगता है राशि काफी हद तक बढ़ा देनी चाहिए। जो मुझे विधायक कोटे से 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उनसे हमारे आम जनता की काफी डिमांड रहती है, उनसे कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, मात्र सड़क भी नहीं बन सकती। इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किए जाए।
और हम आशा करती हूँ सरकार हमारी बात को सुनेंगे और हमारे पक्ष में ये ब्यौरा देंगे। यही नहीं, आरोप ये भी है कि अप्रैल में आने वाली विधायक निधि की राशि आज की तारीख तक उन्हें नहीं मिली है। ऐसे में कब फंड आएगा ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। राजस्थान विधानसभा में हम सब विधायक जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ पे लोगों की अपेक्षाएं भी बड़ी हैं, आवश्यकताएं भी बड़ी हैं और महंगाई भी बड़ी है। पहले जो 1 किलोमीटर सड़क बनती थी उसमें जो राशि लगती थी अब उससे कई गुना राशि लगती है। कहीं सड़क की डिमांड है, कहीं कम्युनिटी सामुदायिक भवनों की है, कहीं नालियों की है, कहीं और प्रकार के विकास की है। 5 करोड़ की जाए, आज संसदीय एक सांसद की 5 करोड़ है, जबकि सांसद से ज्यादा अपेक्षा लोगों की विधायक से होती है। विधायक को अप्रोच करते हैं, विधायक उनके सीधे टच में रहता है, इसलिए विधायकों की अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री जी संबंध में विधायक कोष से जो पैसे बढ़ाने की मांग की है हम विधायकों ने, इसका सीधा साधा अर्थ है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष रूप से लोगों का विकास करवा सके। विधायक कोष 2.25 करोड़ का है, परेशानी क्या रही है आप सब जानते हैं कि महंगाई के आधार पर 2.25 करोड़ में कुछ नहीं हो रहा है। जो भी है कई तरह के छोटे छोटे काम है जिसमें 2-2, 3-3 लाख रुपए के कोई छोटी सड़क है, अगर 2-3 किलोमीटर भी हमें जुड़वानी है तो ये विधायक कोष की जो हमने मांग रखी है सिर्फ इस आधार पर रखी है कि महंगाई बढ़ गई। आप तो जानते हैं सब लोग, एक सड़क बनाने के लिए 40-45 लाख किलोमीटर के लग जाते हैं। उधर राज्य की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे बसपा विधायकों के साथ ही निर्दलीय विधायकों ने भी विधायक निधि बढ़ाने की मांग रखी है और इसके पीछे अपने तर्क भी दिए हैं। जनता से जुड़े हुए सारे इश्यू जो विधायक देखता है, सांसद के पास तो ज्यादातर वो इश्यू होते हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए नहीं हो, और ये राशि तो निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के अंदर बजरी के भाव जो आसमान पर चले गए, बाकी चीजों की भी रेटें हो गई, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर है, उनमें के उनके विधायक के तो फिर भी काम चलता था, बाकी रूरल वाले विधायक को तो निश्चित रूप से ये राशि बहुत कम पड़ती है डेवलपमेंट के लिए और इसको बढ़ाया जाना चाहिए और हम इसके पक्ष में। अभी जो विधायक निधि से हम सभी सदस्यों को जो पैसा मिलता है तो लगभग 2.25 के आसपास जो मिलता है, 2.25 के आसपास, वो बहुत कम है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, अपने सभी 6 विधायक जो हमारे हैं उनकी तरफ से मैं ये मांग करता हूं कि ये निधि कम से कम 5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि सभी सम्मानित जो हमारे सदस्य हैं सभी के पूरे राजस्थान में लंबा क्षेत्र है और मैं समझता हूं कि लंबे क्षेत्र में विकास करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो मेरी ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि ये निधि 5 करोड़ की जाए। कई वर्षों से लगातार 2 करोड़ रुपए विधायक कोष की राशि चल रही है और विधायक कोष की राशि 2 करोड़ रुपए बहुत कम थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 25 लाख रुपए बढ़ाया था, लेकिन उसके बावजूद भी 2 करोड़ बहुत राशि कम है, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं जो विधायकों को अपने निजी तौर पर करने होते हैं, जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी लोगों ने लिख के दिया है कि विधायक कोष की राशि कम से कम 5 करोड़ रुपया हो जिससे क्षेत्र का विकास किया जा सके और जनहित के मुद्दों को आसानी से निपटाया जा सके। परंपरा के अनुसार अप्रैल महीने में विधायक निधि का फंड जारी हो जाता है। जुलाई का आधा महीना निकल चुका है और विधायकों के मुताबिक उनका विधायक कोष अभी भी खाली है। समस्या ये है कि उनके क्षेत्र में जनहित के कार्यों की फेहरिस्त भी लंबी है, लेकिन कोष खाली होने से करवाए जाने वाले कार्य तय नहीं हो पा रहे हैं और जनता बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐसे में विधायक निधि बढ़ाए जाने की मांग कब और कैसे पूरी होगी ये भी देखने वाली बात है। और सवाल ये भी कि जिस तरह से अब विधायक एकजुट हुए हैं विधायक निधि बढ़ाने के लिए, वैसी एकजुटता आम जन की समस्या को दूर करने के लिए क्यों नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो हमारा फंड बढ़ाइए सरकार, ये दरकार है विधायकों की तरफ से। विधायकों का यह भी आरोप है कि उनके कोष अभी भी खाली पड़े हैं, तारीख निकल चुकी है लेकिन अभी भी 1 रुपया भी
उनके कोष में नहीं पहुंचा है। मांग की जा रही कि 5 करोड़ रुपए कर दिया जाए राशि बढ़ाकर विधायक निधि की, लेकिन फिलहाल जैसे कि 2.25 करोड़ मिलती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2.25 करोड़ क्या उस क्षेत्र के लिए कम पड़ जाते हैं, क्या विकास के लिए वो 2.25 करोड़ कम पड़ जाते हैं। सवाल ये भी हम कर रहे हैं कि ये सर्वदलीय विधायक यानी कि सभी दलों के विधायक जिस तरह से इकट्ठे होकर ये दरकार कर रहे हैं सरकार से, ये उस वक्त एक साथ नजर क्यों नहीं आते जब आम जन उनके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं और वो उन समस्या का समाधान करने के बजाय आपसी राजनीति में लग जाते हैं, मुद्दों को भुनाने में लग जाते हैं। तो आज हम इसी सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ शामिल हैं बीजेपी नेता विक्रम सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्रम जी। सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल जी हमारे साथ शामिल हैं, विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विश्लेषक राजेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जी। सबसे पहले मैं आती हूं विक्रम सैनी जी के पास। विक्रम सैनी जी, क्या समस्या आन पड़ी है कि 2.25 करोड़ से 5 करोड़ राशि बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है? अंजलि जी देखिए, विधायक का एक जो क्षेत्र होता है उसमें वहां की जनता से विधायक का जुड़ाव भी अधिक होता है और जनता की उनसे अपेक्षाएं भी अधिक रहती है। और क्षेत्र में देखें तो पिछले 5-10 साल में हर 5 साल के बाद में क्षेत्र की चाहे जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल हो और उसका आबादी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके कारण विधायकों के पास उपयुक्त राशि नहीं होती कि उस क्षेत्र का कार्य जितने भी कार्य हैं उनको पूर्ण किया जा सके। उसका सबसे बड़ा तो आप एक कारण देखिए कि विधायक निधि में 10 लाख से अधिक की वो रकम किसी भी एक कार्य के अंदर खर्च नहीं कर सकते हैं, और किसी भी इमारत को अगर उन जो पूर्ण गुरन के लिए है, उसकी मरम्मत के लिए है, रख रखाव के लिए अपनी निधि कोष की पूरी जो राशि होती है उसे 20% से अधिक वो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण महंगाई भी बहुत अधिक हो रही है और क्षेत्र में अपेक्षाओं को लेकर और विकास की स्थिति को लेकर निश्चित रूप से विधायकों को जनता की जो अपेक्षाएं हैं और विकास के कार्य करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। विक्रम जी, आप ये बताइए कि आपके पास जो धनराशि आती है, जो विधायक निधि है, आप उसका आधा भी खर्च करते हैं विकास के क्षेत्र के विकास के लिए? नहीं अंजलि जी देखिए, कोई भी विधायक को जो राशि मिलती है उसके स्वयं के भरण पोषण के लिए तो मिलती नहीं है। निश्चित रूप से राशि राजस्थान सरकार द्वारा उनके क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती है और विधायक उनके अपने क्षेत्र की जो भी जनता की मांग होती है और वहां की जो भौगोलिक स्थितियां होती है उनके हिसाब से या आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों को करवाना है। इसलिए विधायक के द्वारा जो विकास कार्य किए जाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक विकास का या वहां की जनता का या लोकल जनता को सुविधा प्रदान हो सके, क्षेत्र का विकास हो सके, उसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हर क्षेत्र की अगर देखें तो भौगोलिक राजनीतिक या वहां की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। अगर आप किसी महानगर में देखें तो वहां जेडीए काम करता है, वहां पे सरकारें काम करती हैं, वहां पे विकास के कई स्थितियां होती हैं। लेकिन आप अगर रूरल एरिया में चले जाएंगे तो रूरल एरिया में तो बहुत बड़े क्षेत्र में विधायक बहुत से कार्य करने पड़ते हैं और निश्चित रूप से ये जो धनराशि है ये उपयुक्त नहीं होती, इसीलिए विधायकों ने मांग की है और ये मांग उनकी कोई व्यक्तिगत नहीं है, जनता की और समाज की सेवा के लिए और उनके विकास के लिए ही मांगी गई है। ठीक है, विजय गोयल जी आपको क्या लगता है, जिस तरह से बात कर रहे हैं विक्रम जी कि उनके पास जो धनराशि पहुंचती है वो पर्याप्त नहीं होती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, और जो तस्वीरें हमारे सामने समय समय पर उजागर होती हैं, चाहे वो स्कूल की व्यवस्थाएं हों, चाहे वो आसपास की गंदगी हम देख लें, अस्पताल की व्यवस्था हम देख लें, वो सालों दर सालों ऐसे ही चलती रहती है, अगर जरा भी धन वहां पर पहुंचाया गया होता क्या वैसे ही स्थिति होती वहां पर? नहीं अंजलि, मैं आपने जो पहली बात की उसको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। पहले तो 50 लाख रुपए तक की इनकी लिमिट है काम करने की, 20 लाख से बढ़ा करके इसको 50 लाख रुपए किया गया, और ये जिस साल से जब ये पूरा विधायक कोष चालू हुआ 40 लाख से बढ़ करके ये 2.25 करोड़ पे आ गया, विधायकों की संख्या वो है। विधायक महोदय कहते हैं कि साहब पैसा कम पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है, और जैसा कि आपने मुद्दा भी उठाया है कि पैसा है या नहीं है या पैसा कम पड़ रहा है। देखिए बहुत सारे काम है विधायकों को, जो कि बहुत सारे बजट, यदि आप पूरा बजट को देखेंगे 2 लाख करोड़ का बजट है सरकार का विकास के लिए, जितने में करीब 2000 करोड़ रुपया वो है जो विधायक मिलकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में उन कामों को करा सकते हैं जो कि सरकार की कार्य योजना में नहीं आ पाए। मतलब
ग्रेवल सड़क का काम है, बाउंड्री स्कूल के बाउंड्री वाला काम है, बहुत सारे काम है, 40 ये काम है जो जिनकी सूची बनी हुई है। यदि 2000 से लेकर के 2019 तक के विधायक कोष में से किए गए खर्च को और आवंटित राशि को देखें और उसके अनुसार किए गए विस्तार को देखें, बड़े अफसोस की बात यह है कि पिछले 20 सालों में आज भी हमारे स्कूलों में करीब 5000 स्कूल ऐसे हैं गांव में जिनके पास एक कमरा है। इस विधायक कोष का यदि उपयोग होता है उसकी मंशा के अनुरूप, तो आज हमारे गांव के स्कूलों में हर स्कूल में 4 से 5 कमरे हो जाते। हमारी हर सीएससी, हर पीएससी, हर सब सेंटर के पास कमरा होता, अच्छी बिल्डिंग होती। इस पैसे का यदि उपयोग विधायक महोदय अपने प्रदेश, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की मांग के अनुरूप करते, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप करते, तो इसका बहुत बड़ा विकास हो सकता। अफसोस यह है कि इस विधायक कोष का काम करने के लिए जो लोग अनुशंसा कराते हैं उनमें सबसे बड़ा व्यक्ति है उस ग्राम पंचायत का सरपंच, और जब सरपंच उस काम के लिए अनुशंसा करवाता है तो विधायक के स्वागत करना है, विधायक को माला पहनानी है, विधायक को के साथ आने वालों को खाना पीना कराना है, यानी कि इसी समय सारा पैसा चला जाएगा। वो सारा काम इस विधायक कोष के पैसे से होना है। बात यह है विकास के लिए, रुको, पूरी बात सुन लो जी, अभी आपके पास वापस आऊंगी। विधायक कोष के उपयोग के मैं बता देता हूँ ना आपको स्थिति 2014-15 से लेकर के आज तक की पूरी स्थिति रख देता हूँ, उसके बाद आप चर्चा करते रहना इसके ऊपर। क्योंकि मैं बता दूं कि 2014-15 में मार्च 2015 तक मात्र 45% पैसा खर्च कर पाए विधायक, ठीक है, और उसमें भी बांसवाड़ा में मात्र 30% पैसा खर्च हुआ था, जैसलमेर में 13% पैसा खर्च हुआ था, जोधपुर में 26% पैसा खर्च हुआ था, करौली में 27% पैसा खर्च हुआ था। 31 मार्च 2015 तक 2016 में आ जाइए आप, 76% पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं ये, और उस 76% पैसे में भी क्योंकि वो चुनाव का वर्ष आ गया था और लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, उस चुनावों को लेकर के ये सारी चीजें चल रही थी, वो पूरी प्रक्रिया चली थी, 76% पैसा खर्च हुआ, ठीक है। 2017-18 में आ जाइए आप, समझ गए हम आपकी सारी बात समझ गए। राजेंद्र जी, जैसा कि यहाँ पर आपने विजय जी को भी सुना और आपने विक्रम जी को भी सुना, विक्रम जी की अलग समस्या और विजय जी का कहना है कि विधायक निधि का जो पैसा है वो पहुंचता ही नहीं, और कितने प्रतिशत पहुंचा है, कब कब पहुंचा है, कहाँ कहाँ कितना प्रतिशत पहुंचा है, ये भी उन्होंने जिक्र किया। क्या लग रहा है आपको, वाकई में जो मांग की जा रही है 5 करोड़ राशि बढ़ाए जाने की, कि 5 करोड़ राशि कर दी जाए विधायक निधि की, वाकई में वाजिब है इतनी राशि? देखिए अंजलि जी, बात विक्रम जी की सही है, विजय गोयल जी की सही है, दोनों को बीच में अपनों को रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखिए 5 करोड़ कोई बड़ी राशि नहीं है, पूरे स्टेट के अंदर यदि हम देखें तो 5 करोड़ के हिसाब से 1000 करोड़ रूपये होता है, जिसमें से करीब करीब 400 करोड़ से ज्यादा, यानी 400 करोड़ से ज्यादा पैसा है हम ऑलरेडी दे रहे हैं, केवल 650 करोड़ रुपए का वर्णन आता है। इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि स्टेट के लिए या किसी भी जगह के लिए देखा जाए तो ये 1000 करोड़ रुपए कोई बड़ी ज्यादा रकम नहीं है। क्योंकि पर देखने वाली जो दूसरी चीज जो है, जो महत्वपूर्ण है, जो विजय गोयल जी कह रहे हैं कि उस पैसे का पूरा उपयोग होना चाहिए, इसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए कि टाइमली वो पैसा सेंक्शन टाइमली निकले, जो काम कराने उनके लिए जो काम के अनुशंसा करी जाए वो टाइम पे हो, उस पैसे का उपयोग टाइम पे हो और उसका वास्तव में लाभ मिले। पैसा लैप्स होना ये तो दुर्भाग्यजनक बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपए देते हैं तो वो तो बिल्कुल उनकी मांग जायज है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन में इतने पैसे की जरूरत है वर्तमान परिस्थितियों के अंदर, लेकिन तो जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना कि इसके लिए हमको एक ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि वो पैसा मिनिमम टाइमली सेंक्शन हो। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आ रहा है या वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है उस टाइम पे सेंक्शन आए,
फिर धीरे धीरे उसके खर्चे आए थे। कई बार होता क्या है कि अब भी आज तक भी कोई पैसा अनुशंसा हो गई, सेंक्शन हो गया, उसके बाद में भी उसको जो काम होना है वो छह छह बारह बारह महीने आठ आठ महीने तक पड़ा रहता है। जो नोडल एजेंसी जो संस्था वो काम करना था उसको पैसा चले जाता है, पर उसका उपयोग नहीं हो पाता है। इन चीजों के लिए पूरा एक चेकलिस्ट बननी चाहिए, एक पूरा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, क्योंकि जिला परिषद को इसका नोडल संस्था बनाया हुआ है, तो जिला परिषद के अंदर कहीं न कहीं ये पूरा सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि पैसा सेंक्शन होने से लेकर के और उसके उपयोगिता तक, फाइनल स्टेज तक वो पैसा खर्च हो जाए, उस तक की एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए और उसका पूरा प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप आज सवा दो करोड़ दे रहे हैं, पांच करोड़ दे दोगे तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, ऐसा कोई नहीं है कि राज्य की स्थिति नाजुक हो जाए, उसमें कोई बड़ा असर पड़ने वाला, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें हैं जिस पैसे को बचा करके उस पैसे के अंदर दिया जा सकता है, क्योंकि पैसा स्कूल में जाएगा, राजेंद्र जाएगा, रोड पे जाएगा। राजेंद्र जी, लेकिन क्या कभी सरकार की तरफ से विकास कार्यों का रिकॉर्ड खंगाला गया है? मेरे ख्याल से तो कभी रिकॉर्ड नहीं खंगाला गया। अगर खंगाला गया होता तो सवाल खड़े होते। देखिए मैडम, ऐसा नहीं है अंजलि जी, निश्चित रूप से सरकार द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, पर सवाल होता है गुणवत्ता को लेकर के। या देखिए, समाचार पत्रों के अंदर मोटे मोटे हेडिंग्स में छपता है कि साहब इस एमएलए साहब ने इतना परसेंट खर्च किया, इतने इतना खर्च किया। देखिए, आप जो पब्लिक को जागरूक करने के लिए बहुत सी चीजें हो गई, उसके अंदर एक चीज ये भी हो गई, और इसका निश्चित रूप से आप चुनावों के अंदर इलेक्शन होता है उस टाइम पर वोटिंग पे असर पड़ता है कि एमएलए साहब से हमने इतनी इस काम के लिए कहा, इस काम के लिए कहा, इस काम के लिए कहा, ये नहीं हुआ, पैसा सैंक्शन कर दिया फिर भी काम नहीं हुआ। ये सारी चीजें पब्लिक सब चीजें समझती है, इसलिए पब्लिक को बिल्कुल हम अननोन समझ करके, पब्लिक को बिल्कुल बेवकूफ समझ करके नहीं चल सकते। इसका असर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जरूर दिखता है। पर मैं कह रहा हूं कि यदि सिस्टम ही जो गाइडलाइन बनी उसी के अंदर एक सिस्टम डेवलप कर दिया जाए कि इतनी तारीख तक सैंक्शन हो जानी चाहिए, प्रायोरिटी बना ले एमएलए साहब, प्रायोरिटी बना ले साहब, इस साल मेरे को ये काम कराने हैं, चाहे सीएससी के लिए कराना, चाहे रोड के लिए कराना है, चाहे पानी की टंकी के लिए कराना है, चाहे किसी और चीज के लिए कराना है, सड़क के लिए कराना है, उस चीज के लिए यदि वो प्रायोरिटी फिक्स हो जाएगी तो वो ठीक है। अदरवाइज मैं गोविंद साहब की बात से इसलिए तो सहमत हूं कि वो पैसे का पूरा उपयोग नहीं हो रहा, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं पैसा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैं सहमत नहीं हूं कि यदि वो पैसा किसी न किसी दूसरे हेड के अंदर खर्च होगा तो पैसा बर्बाद होगा। आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से यहां पर जिक्र किया विजय गोयल जी ने कि कितनी राशि कहां पर पहुंचाई गई है अब तक विधायक निधि से, मात्र 30%, 27%, ये क्या रिकॉर्ड है आपका काम का? देखिए अंजलि जी, आप अगर हर क्षेत्र को देखेंगे, मैं आपको बताऊं कि अगर आप जयपुर शहर की बात करेंगे तो यहां पे विकास के कई पर्याय हैं और विकास की स्थिति, यहां पे राज्य सरकार भी विकास कार्य करवाती है और केंद्र सरकार की भी अपनी एक व्यवस्था है। लेकिन आप अगर रूरल क्षेत्र में अगर जाके देखेंगे तो दूसरी कई बार क्या होता है, निधि कोष का नहीं लगने का कारण भी एक बार ये होता है कि किसी ग्राम में अगर मान लो किसी एमएलए से एक समुदाय भवन की मांग की गई और एमएलए ने वो मांग को स्वीकार करते हुए उसके लिए एक पत्र भी जारी कर दिया और उन्होंने एक राशि डिसाइड की कि 15 लाख रुपए समुदाय भवन को 10 लाख रुपए देना है, लेकिन बाद में पता चलता है कि साहब गांव के अंदर तो सामाजिक कोई सार्वजनिक भूमि नहीं है या ऐसी उपयुक्त भूमि नहीं है जहां से भवन का निर्माण हो सके। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अगर आप उसका डेटा तैयार करेंगे उस हिसाब से तो एमएलए ने अपने कोष से 15 लाख या 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अगर उस सिस्टम की बात करें तो वो सिस्टम में वो पैसा नहीं लग सकता है। तो ये भी कई विसंगतियां एमएलए के सामने या क्षेत्र विशेष के सामने देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसे ही बोरिंग की स्थिति हो जाती है कि एमएलए बोरिंग की एक घोषणा करते हैं जो 8 से 10 लाख रुपए का बनता है, लेकिन क्षेत्र में उतनी पॉपुलेशन नहीं होती या क्षेत्र में वो दूसरे बोरिंग या सरकारी जो पानी की व्यवस्था है उस हिसाब से नहीं हो पाता। विक्रम जी, आप ये बताइए, क्या आप कभी क्षेत्र का भ्रमण करने जाते हैं? क्या विधायक कभी क्षेत्र का भ्रमण करने जाते हैं? अंजलि जी, अगर विधायक क्षेत्र का भ्रमण करने नहीं जाते तो लोग 2 बार 5 बार या 10 बार विधानसभा में नहीं पहुंच पाते। इस देश का लोकतंत्र में यहाँ का मतदाता बहुत ही सजग मतदाता है, वो मतदाता का अपना काम करता है, अपना काम निभाता है, उसकी बात मत गिनाइए। विक्रम जी, वोट देने की बात यहाँ पर मत गिनाइए, आप ये गिनाइए कि काम कितना होता है, प्रदेश की स्थिति कितनी बेहतर हो रही है, क्षेत्र क्षेत्र की बात कर लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि देश का अगर मतदाता इतना समझदार नहीं होता तो देश में एक एमएलए दोबारा तीसरी बार या चौथी बार चुनाव जीत के नहीं आता या सरकारें दोबारा रिपीट नहीं होती। इसका मतलब निश्चित रूप से देश के जहां भी इसका मतलब ये नहीं है, जनता ने इसका मतलब ये नहीं है विक्रम जी कि आप रिकॉर्ड को झुठला देंगे। दोबारा से एमएलए आना अलग बात है, रिकॉर्ड क्या हुआ है, काम क्या कुछ किए गए इन क्षेत्रों में, विकास कितना हुआ है वो अलग बात है,
आप तस्वीरें वो नहीं छुटला देंगे जो हम देखते हैं क्षेत्रों की? अंजलि जी, क्षेत्र में अगर ऐसा कोई विधान, रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो सभी दलों के विधायकों ने सामूहिक रूप से चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी 5 करोड़ यानी कि विधायक निधि बढ़ाने की मांग की गई है, जिसकी राशि मांग की जा रही है कि 5 करोड़ बढ़ा दी जाए। लेकिन अब हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जो 2.25 करोड़ अभी तक विधायकों के पास पहुंच रहा था उसका क्या आधा भी जाता है क्षेत्रों के विकास के लिए? लेकिन फिलहाल नानुकुर तो जारी है, इन नेताओं की तरफ से नानुकुर तो करेंगे ही, लेकिन जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, तो ये उसको भी झुठलाते हैं। वापस आते हैं हमारे मेहमानों के पास। विक्रम जी से मैं बात कर रही थी। विक्रम जी, आपका कहना है कि जनता मत देती है, मतदान करती है, वापस वही चुनकर एमएलए आता है, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रही हूं, जो रिकॉर्ड अभी गिना है, जो आंकड़ा अभी गिना है विजय गोयल जी ने बैठकर यहां पर, क्या वो झूठा है? क्या आप उसको झूठला रहे हैं? मैं किसी भी आंकड़े को चैलेंज नहीं कर रहा हूं अंजलि जी, लेकिन आप देखिए, जैसे 1 अप्रैल को पैसा निधि कोष में आना था और अब तक नहीं आया है, तो उसके बाद एक एमएलए कितनी जल्दी से या तेजी से उस पैसे का खर्च कर पाएगा? दूसरा ये है कि जहां सड़कें एमएलए 1 किलोमीटर की बनवाता है, अगर धन की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था होगी तो वो सड़क 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की भी हो सकती है। वो सामुदायिक भवन या स्कूल में जो बनने वाले कमरे हैं या श्मशान भूमि की चारदीवारी या इसी तरह अन्य जो विकास कार्य हैं, उनको और अधिक और तेजी से कर पाएगा निश्चित रूप से। इस पे तो कोई सवाल खड़े हो ही नहीं सकता। विक्रम जी, क्योंकि विक्रम जी 5 साल का वक्त मिलता है, 5 साल का वक्त मिलता है काम करने के लिए। स्कूलों की स्थिति जाकर देख लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए, स्कूलों की स्थिति देख लीजिएगा जाकर, और उन छोटी छोटी बस्तियों में जाकर देख लीजिएगा जहां पर पानी भरा रहता है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी आसपास जमा है, लोग संक्रमण की बीमारी से वहां पर ग्रसित हो रहे हैं, उन क्षेत्रों में जाकर देख लीजिएगा। देखिए अंजलि जी, स्थिति आप बोल रही हैं, लेकिन स्थिति को आपको ये भी देखना होगा कि हर क्षेत्र में काफी एजेंसियां काम करती हैं, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तो हर क्षेत्र में उनकी हर एजेंसियां काम करती हैं। धनराशि पहुंचाने का काम किसका होता है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, उनको धनराशि पहुंचाने का काम किसका होता है विक्रम जी? लेकिन जनता जब एमएलए को अवगत कराती है विषय से और एमएलए से उस विषय की मांग करती है, तो उसके बाद काम नहीं होते हैं। नहीं, अगर एमएलए द्वारा क्षेत्र में काम नहीं होते तो आज हिंदुस्तान विकास की ओर इतना अग्रसर नहीं हो रहा। समस्याएं निश्चित रूप से हैं, लेकिन लग रहा है अभी आप वाकिफ नहीं उन क्षेत्रों से, अभी आपने उन क्षेत्रों का दौरा नहीं किया, भ्रमण नहीं किया, जाकर देखा नहीं है, उन आम लोगों की परेशानी से वाकिफ नहीं है। लग रहा है आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी बातों से ये साफ तौर पर झलक रहा है कि अभी आप रूरल एरिया से परेशानियों से रूबरू नहीं हुए। मैं खुद रूरल एरिया से आता हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर तो ये बात कोई समझ ही नहीं सकता है। तो जब आप रूरल एरिया से आते हैं तो आप इस तरह की बात करें कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। अरे आप देश में क्यों जा रहे हैं, क्षेत्रों की पहले बात कर लीजिए। नहीं तो क्षेत्र देश से बाहर थोड़ी ना है, देश उसी क्षेत्र का हिस्सा है, जब क्षेत्र विकास करेगा तभी। विक्रम जी, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं आप। मैं क्षेत्रों की बात कर रही हूँ, क्षेत्र ठीक है, क्षेत्र देश से अलग नहीं है, लेकिन उन छोटे छोटे क्षेत्रों का विकास क्यों नहीं हुआ है? उसका भी तो विकास होना चाहिए। अब कहने में क्या नहीं की आप चांद पे पहुंच गए, क्या वो ग्रामीण जनता चांद पे पहुंच गई पानी लेने के लिए? लेकिन अंजलि जी, जब विधानसभा में एक विधायक इस बात के लिए मांग कर रहा है कि 5 करोड़ राशि कर दी जाए, तो वो क्षेत्र के विकास के लिए तो कर रहा है। वो मैं यही तो जवाब धन आता है और इसीलिए उपयोग नहीं करते हैं। अंजलि अंजलि अंजलि, मैं बीच में रोकूंगा आपको जी, क्योंकि आपको मैं दिसंबर 2018 के फिगर में आपके सामने रख रहा हूँ जी, एमएलए लेट का, क्योंकि दिसंबर 2018 में आपके विधानसभा के चुनाव होने थे, और उस विधानसभा चुनाव के दौरान आप देखिए झुंझुनू में 166% रूपया खर्च हुआ, करौली में 149% रूपया खर्च हुआ, पहले खर्च हुआ, कोटा में 142% पैसा खर्च हुआ, गंगानगर में 139% रूपया खर्च हुआ है ना, और दौसा में 129% पैसा खर्च हुआ।
वही जगह वही स्टेट वही डिस्ट्रिक्ट को यदि आप 2014-15 में देखेंगे तो ये स्थितियां और अलग है। हेलो जी जी विजय जी आपकी हमारी आवाज नहीं रही, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। हाँ बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक कोष का जो पैसा है जिस तरह से इसका उपयोग होना चाहिए था ये वो काम है जो सरकार की योजनाओं के अन्य किसी योजनाओं के अंतर्गत नहीं आ पाते हैं, उन कार्य को कराने की जिम्मेदारी इस विधायक कोष में है और आप इसके लिए एक विस्तृत गाइडलाइन बनी हुई है। जहां तक आप कह रहे हैं कि विधायकों के पास पैसा नहीं आता, विधायकों के पास पैसा आना भी नहीं है, पैसा तो डिपार्टमेंट के पास आना है। विधायकों को तो अनुशंसा करनी है कि मेरा इस व्यक्तिगत इस एरिया में मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस जगह पर यह काम कराना है और उसका तकमीना बनता है। जब वो जिला परिषद को उसकी डिमांड भेजता है तो जिला परिषद का जो AM JM है वो उसका पूरी मॉनिटरिंग करता है, उसका पूरा खाका तैयार करता है और एक बजट तैयार करता है। उस बजट के अनुरूप वो उसकी अनुशंसा विधायक कोष से कराता है। बात सारी यह है कि विधायक महोदय जो पैसा है 5 करोड़ करा लो, विधायक कोष से पैसा 10 करोड़ करा लो। बात सारी यह है कि क्या इस पैसे का उपयोग उन सामाजिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया गया है क्या? यदि आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के भौतिक सत्यापन को देखेंगे तो 95% पैसा जो है वो सड़क ग्रेवल सड़क 4 दीवारी जहां से वोट मिल रहा है उनको उन जगहों पे खर्च किया जाए। मात्र 5% पैसा ऐसा है जो कि स्कूल चिकित्सालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी के लिए खर्च किया जाए। यदि इस सारी चीजों को प्राथमिकता इसकी थोड़ी सी बदल दी जाए क्योंकि ग्रेवल सड़क वगैरह का जो कार्यक्रम काम है वो PWD ऑलरेडी करती है, PWD के पास 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। विधायक कोष का ये पैसा यदि सामाजिक सरोकार के लिए लगाया जाता है तो शायद विकास का दूसरी तस्वीर निकल के आएगी और वो नहीं आ रही, तो हो क्या रहा है? ठीक है, हो ये रहा है कि जवाब दीजिएगा विजय जी की बातों का जवाब दीजिए। विक्रम जी, अंजलि जी, आप देखिए PWD बनाएगी तो PWD तो मेन सड़क बनाएगी। अगर गली और ढानियों की सड़कों की बात की जाए, किसी छोटे से कस्बे की बात की जाए, किसी मोहल्ले के अंदर सड़क बनानी है तो निश्चित रूप से वहां पे MLA निधि का ही पैसा लगना है। और अगर डिपार्टमेंटों की बात की जाए तो जिस तरह से सड़क लगते हैं, चिकित्सा विभाग चिकित्सा के लिए पैसे खर्च करेगा, शिक्षा विभाग शिक्षा के लिए पैसे खर्च करेगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि जनता के द्वारा जब जनप्रतिनिधि से मांग की जाती है विकास की राशि के लिए, विकास कार्यों के लिए, तो जनप्रतिनिधि उस विकास के लिए पैसे देता है और वो कार्य को क्रियान्वित करता है। तो ये जनता को भी जागरूकता इस बात के लिए बहुत जरूरी है कि जनता जनप्रतिनिधि को इस बात पे समय समय पर अवगत कराए कि हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव या ढाणी हमारे क्षेत्र में इस स्कूल में कमरे की आवश्यकता है कि यहाँ हॉस्पिटल में एक रूम की आवश्यकता है। तो जनता को भी जागरूक होकर उन मांगों को जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना होगा, उनके सामने रखना होगा ताकि विकास के कार्य निश्चित रूप से हो सके। चलिए राजेंद्र जी, आपने विजय जी को सुना कि उनका कहना है कि विकास नहीं हो रहा है, 5% पहुंचाया जाता है आशा बहुओं के पास, तो किस तरह से काम कर रहे हैं विधायक ये भी हम तस्वीरें देख रहे हैं और उजागर भी करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन इन विधायकों का ना नुकुर करना। और आपने विक्रम जी को भी सुना, उनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो जनता उन्हें MLA के तौर पर क्यों चुनती है हर बार। मैडम, मैंने दोनों को ही सुना है और आपने जो पहले अपनी डिस्कशन चालू हुआ उसके पहले आपने जो कमेंट्री सब दिखाई थी उनको भी मैंने गंभीरता से सुना है। देखिए, मैं 2-3 चीजें साफ कर देना चाहता हूँ। पहली चीज तो यह है कि ये जो पूरा जो विधायक का जो कोर्स है ये सप्लीमेंट जो स्कीम्स गवर्नमेंट की अलग अलग चलती है उनको सप्लीमेंट करने के लिए है, कोई अलग से कोई नहीं है किसी चीज के लिए। मान लीजिए कहीं पर सड़क के लिए कुछ पैसा कम पड़ रहा है, किसी कारण से मेन जो रोड जा रही है उससे गांव की सड़क तक का 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का कहीं जोड़ना है तो उस चीजों को सप्लीमेंट करने के लिए है। स्कूल के अंदर 1 कमरा बना हुआ उसके दूसरा कमरा बनने के सप्लीमेंट करने के लिए, कहीं 3 जगह पे हैंडपंप लगा 1 जगह और लगाना उसको सप्लीमेंट करने के लिए। देखिए होता क्या है,
कि जब पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे मेडिकल एंड हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे और कोई एक्सपेंडिचर कोई सा डिपार्टमेंट हो, उनके अंदर जो बजट होता है वो कहीं पर कम पड़ जाता है। किसी एक एक क्षेत्र में काम विधायक जी के एक इलाके में काम हो जाता है, दूसरे इलाके में नहीं हो पाता। तो उन चीजों को करने के लिए सरकार ने सारी व्यवस्था की। देखिए, अगर कोई एक अच्छा सिस्टम है, केवल एक सिस्टम की खराबी के कारण, सिस्टम का सही ढंग से काम नहीं करने के कारण एक अच्छी योजना को नकारने की कोशिश करे, उसकी आलोचना करे, तो वो मैं ठीक नहीं मानता। मैं कहता हूं कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। विक्रम जी ने जो कहा कि साहब एमएलए साहब ने सैंक्शन कर दिया और उनको पता है, बाद में पता चला वहां जमीन ही नहीं है, इससे ज्यादा तो और क्या मजाक की बात होगी। भाई पहले आप जगह देखिए, वहां जमीन है या नहीं है, हैंडपंप लग सकता है नहीं लग सकता, स्कूल के अंदर दूसरा कमरा बनने की जगह है या नहीं है, सामुदायिक बनने के लिए सामुदायिक भवन के लिए कोई जगह है, ये तो पहले आपको सैंक्शन करने से पहले ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है जो ये कह रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, ये सारी चीजें देख करके जो नोडल एजेंसी है, सैंक्शन आने के बाद उसका दायित्व ये हो जाता है कि उस काम को वो टाइमली पूरा करें। होता क्या है कि सैंक्शन हो जाती है, पैसे का उपयोग नहीं हो पाता है। तो अब जब आप ये देखिए, एक तो आप अच्छी तरह देखिए कि जब सरकार ने 2.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, अभी विजय जी बता रहे थे कि चुनाव जो चुनावी वर्ष आया उसके अंदर 100% से ऊपर भी खर्च हो रहा है। तो सारी चीज ये हमारे सिस्टम की खराबी को दर्शाता है, ये उस योजना की खराबी नहीं दर्शा रहा है, ये हमारे सिस्टम की खराबी को दर्शाता है। इसलिए मैं जो पहले भी मैंने ये कहा, अभी मैं कह रहा हूं कि हमको सिस्टम सुधारने की जरूरत है, क्योंकि सारा पैसा सप्लीमेंट करने के लिए है। और कितना सुधारा जाए सिस्टम, जब ऊपरी सिस्टम ही खराब है, किस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। बेसिकली क्या है कि हमारी प्रायोरिटी तय नहीं कर पाते हैं। एमएलए साहब देखते हैं कि मार्च के अंदर या जब कोई चुनाव होगा पंचायत का है और कोई दूसरा कोई भी नगर निगम का किसी भी तरह का, तब हम उस पैसे का उपयोग करेंगे, तब घोषणा करेंगे। या जब भी विजय जी ने जो बात की उसमें भी काफी कुछ दम है कि जब मंत्री जी को किसी मोहल्ला विशेष के अंदर बुलाकर उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा, तब हम घोषणा करेंगे वहां पर। क्योंकि यथार्थ उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। विक्रम जी की बात को मैं दूसरी बात को भी इसी से जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, जो पैसा उपयोग होता है, नगर निगम का पैसा कम पड़ गया, जेडी का पैसा कम पड़ गया, पीएचईडी का कम पैसा कम पड़ गया, खुद उसको सप्लीमेंट करने के लिए। देखिए सीवेज लाइन डल रही है, अब किसी एक कॉलोनी के एक अंदर 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर रह गई, उसको जोड़ने के लिए पैसा उपयोग होता है, या और कोई दूसरी चीजें ऐसे। इसलिए यह नहीं है कि सिटी में उपयोग नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि नगर निगम की भी एक सीमाएं हैं, जेडीए की भी अपनी सीमा है, मेडिकल डिपार्टमेंट की भी अपनी सीमा है, दूसरे डिपार्टमेंट की। अब यहाँ सीएससी बनी है, इस पैसे से वहां पर जांच की सुविधा है, दवाओं की उपलब्धता है, और कोई दूसरी सुविधा है, वहां पर आप इंटरनेट की क्या कंप्यूटर की सुविधा देकर क्या दूसरी चीजें करके इससे सप्लीमेंट किया जाता है, उसको बेहतर बनाने के लिए सारी पैसा दिया जाता है। इसलिए 5 करोड़ रूपये उस हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है, पर जोर इस बात में दिया जाना चाहिए सभी एमएलए को मिलकर के, सभी विधायकों का दायित्व दिया जाता है कि वो पैसा समुचित समय पर सही तरीके से उपयोग हो। अगर सही तरीके से उपयोग होगा, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं विश्लेषक उपेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उपेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा में। उपेंद्र जी, आपसे एक सवाल, विधायकों का एकजुट तब हो जाना जब विधायक निधि की मांग की जा रही है, सामूहिक रूप से चिट्ठी लिखी जा रही है, सभी दल के विधायक एकजुट हो गए हैं धनराशि के नाम पर, लेकिन ये विधायकों की एकजुटता तब कहां चली जाती है जब आम जन अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं और तब राजनीति शुरू हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो हम पुराना रिकॉर्ड अगर देखें तो राजस्थान के अंदर गिने चुने विधायक है जो अपनी निधि के पूरे पैसे का उपयोग कर पाते हैं। बाकी जितना भी विधायक है, 200 में से मैं आपको कहूंगा 180-185 के लगभग, उनका 25-30% पैसा फाइनली लैप्स हो जाता है, वो रह जाता है, वो उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसका कारण अभी बात चल रही थी, आदरणीय बोल रहे थे कि विधायक या मंत्रियों को कार्यक्रम में जाकर के घोषणा करने का एक अलग ही आनंद आता है और कार्यक्रम के अंदर जाने के लिए उनके पास समय है नहीं। ऐसी स्थिति में उनके पास पूरी अपने क्षेत्र के अंदर विकास को लेकर के कहां कहां आवश्यकता है उस पर वो पूरे पैसे का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और इस वक्त यदि वो मिलकर के इस प्रकार से डिमांड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये न्यायोचित डिमांड नहीं है, ये एक अनावश्यक डिमांड है। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि भाई जिस विधायक ने डिमांड की है उसको एक एक्स्ट्रा मद का व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन सभी विधायकों को
एक लोन पर जैसे 5 की जगह 8 करोड़ कर दिया तो मेरे हिसाब से 200 में से 180-85 का पैसा पड़ा रह जाएगा। जो विधायक विकास के लिए समर्पित है वो यदि एक्स्ट्रा डिमांड करे तो उसको उस विकास के नाम पर 5 करोड़ के बाद में और पैसा दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। तो सही माने सही माने जो देख पाते हैं तस्वीरें जो आवे गवाहें हमारे सामने आती हैं, जनहित में कितना पैसा लगा पाते हैं विधायक, कितनी धनराशि जाती है इन विधायकों की? जनहित में पैसा तो सारा जनहित में जाता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। सामाजिक संस्थाओं को देते हैं, ये सड़क और मोहल्ले के अंदर कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट के लिए पैसा देते हैं, जाता पूरा पैसा जनहित में है, लेकिन अपनी मद पूरी खर्च नहीं कर पाते, यह चिंता का विषय ये है। ठीक है, डिमांड कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन जो मिल रहा है उसको तो आप प्रॉपर तरीके से उपयोग कीजिए। उसमें कहीं निश्चित रूप से जो आपका क्वेश्चन है वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन जहां तक ये दिख रहा है पैसा पूरा बिल्कुल जनहित के काम पर ही खर्च होता है, कहीं पर इसमें कोताही नहीं बरती जाती। लेकिन जहां कहीं पर तो क्षेत्र छोटा है तो वहां ये पैसा पूरा लग नहीं पाता, कहीं क्षेत्र बड़ा है तो वहां पैसा कम पड़ जाता है, तो उस स्थिति पर उनको आकलन करना चाहिए, न कि 5 करोड़ को बढ़ा करके एक अपर लिमिट पर ले जाना। मुद्दा यह नहीं होना चाहिए, मुद्दा यह होना चाहिए कि क्षेत्र विशेष के आधार पर क्षेत्र कितना है, या कोई एक्स्ट्रा डिमांड वहां डेवलपमेंट कम हो रखा है किसी क्षेत्र का तो उस डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा बजट की डिमांड की जा सकती है। लेकिन आपका जो कहना है कि टाइम टाइम पर पहुंचती है धनराशि क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन कहीं दिखता नहीं है क्षेत्र का विकास? नहीं अंजलि जी, विकास की हम बात करें तो विधायक कोष से जो पैसा जाता है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं डेवलपमेंट का, ठीक है 5 करोड़ बहुत छोटी राशि है, फॉर्मेलिटी करना और पूरी तरीके से उस काम को करना दो अलग अलग चीजें हैं उपेंद्र जी, दो अलग अलग चीजें हैं। हम किसी चीज की फॉर्मेलिटी भर कर दें वो अलग चीज हो गई कि हमने फॉर्मेलिटी कर दी कि हाँ हमने पैसा दिया अपने विधायक कोष से, लेकिन अपने धनराशि का यानी कि विधायक कोष का आधा भी लगा देना तो उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा मेरे ख्याल से? नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात को एग्री हूं। इसमें समस्या कहां है, जैसे ज्यादातर विधायक जो पैसा देते हैं अंजलि जी वो एक सामाजिक संस्था को दे रहे हैं ज्यादातर, जैसे किसी समाज का एक भवन बना हुआ उस भवन में पैसा दे रहे हैं, समाज का शमशान घाट है उसमें पैसा दे रहे हैं, समाज की कोई दूसरी कोई प्रॉपर्टी है उसके डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, जबकि उसकी जगह ये सामूहिक रूप से सड़क पर है, लाइट पर है, पानी की व्यवस्था है, उस पर उनको इस मद को खर्च करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत रूप से सामाजिक संस्थाओं को। उसमें सामाजिक संस्थाओं के अंदर कई कोताही बरती जा सकती है, लेकिन प्रॉपर इसका उपयोग तभी हो पाएगा जब ये सार्वजनिक, जैसे पार्क बनाया जाए, पार्क में डेवलपमेंट किया जाए, कि अपने क्षेत्र के अंदर वाचनालय बनाए जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, सार्वजनिक पानी की व्यवस्था की जाए, टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाए, तो उसमें हर तबके को उसका पूरा प्रॉपर उपयोग करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज एक समाज को उन्होंने 50 लाख दे दिए, एक को 20 लाख दे दिए, तो समाज वाइज जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कास्टिज्म के आधार पर उसको बंद करना चाहिए, इस पर भी एक यहाँ पर सोचने वाली बात है। उपेंद्र ये चीज देखने को मिलती है। जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल जी मौजूद हैं और तमाम आंकड़ों के साथ मौजूद हैं। मैं अभी आप ही के पास आ रही हूँ विजय जी, और तमाम आंकड़ों के साथ मौजूद हैं। उन्होंने अभी हमारे सामने आंकड़े प्रस्तुत किए और मैं उनसे अपील करती हूँ कि दोबारा से आंकड़े प्रस्तुत करें और उपेंद्र जी को बताएं। नहीं नहीं अंजलि, हमारी मुख्यमंत्री आती है झालावाड़ से, झालावाड़ में दिसंबर 2018 तक 67% पैसा खर्च हुआ। हमारे गृह मंत्री आते हैं उदयपुर से, वहां पे खर्च हुआ 78% पैसा। झुंझुनू जहां ये जी आप प्रतापगढ़ को ले रहे हैं, प्रतापगढ़ का बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। प्रतापगढ़ में 2015-16 में 300% पैसा खर्च हो गया और प्रतापगढ़ में 2018 में दिसंबर तक मात्र 25% ही पैसा खर्च हुआ। बात सारी यह है कि जब आप बात कर रहे हैं विधायक कोष को बढ़ाने की, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं बिल्कुल, और ये विधायक कोष बढ़ना चाहिए बड़े, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए ये कहीं तय होगा। आप कह रहे हैं कि समाज के वो सामुदायिक भवन, ग्रेवर सड़क,
लाइट बिजली पानी भाई ये सारा पैसा तो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से आ रहा है ना। इस पैसे का उपयोग यदि आपको करना है तो उन इंस्टीट्यूशंस के लिए कीजिए जहां पे आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को आकलन कीजिए। यदि आप उस आवश्यकताओं का आकलन करेंगे तो वो आवश्यकताएं निकल करके आएंगी, स्कूल अस्पताल आंगनबाड़ी वो इंस्टीट्यूशन जहां बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चा इनका वोटर नहीं है विधायकों का, तो बच्चों की वोटर कहीं वो चीजों पर नहीं नजर पड़ रही जी, नजर पड़ने के लिए उन जगहों पर जहां बच्चे आ रहे हैं। अंजी जी, विजय कोयल जी ने जो बातें कही निश्चित रूप से उनका एक प्रासंगिक मतलब है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं विधायक कोष की। विधायक कोष एक ऐसा कोष है जो विधायक की इच्छा पर डिपेंड करता है कि मैं अपने क्षेत्र में इसको कहां पर खर्च करूं। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी मूलभूत जैसे अभी कहा कि पीडब्ल्यूडी से पैसा आता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की एक इच्छा पर डिपेंड करता है उपेंद्र जी, या फिर जरूरतों पर डिपेंड करता है। नहीं, ये इच्छा पर, ये उनकी इच्छा के जरूरत होना जरूरत के हिसाब से नहीं रखती किस क्षेत्र में कितनी, बिल्कुल जरूरत कोई मायने नहीं, बिल्कुल अंजलि जी ये जरूरत के हिसाब से नहीं होता। विधायक की बिल्कुल स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो इसका रिकमेंड करेगा, वो चाहे तो नहीं करेगा। और मैंने अपनी पिछली जो बात हुई थी उसमें दोहराया था, ये विधायक की इच्छा डिपेंड करती है कि मैं राजपूत समाज को इतने दे दूं, मैं ब्राह्मण समाज को इतने दे दूं, जाट समुदाय को इतने दे दूं, एससी को इतने दे दूं, एसटी को इतने दे दूं, वो गलत है। मैंने उसका भी अपनी विरोध किया था, मैंने कहा वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसको मूलभूत सुविधा में क्षेत्र के, जैसे बच्चों की बात हो रही है तो पार्क में बच्चे खेलेंगे, वाचनालय बनेगा तो उसमें बच्चे पढ़ेंगे, क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे। अब बात हो रही सड़क की बात, तो अंजनी जी प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, विधायक कोष से ही सड़कें बनती है। पीडब्ल्यूडी या नगर निगम का तो पता नहीं कितना होता है, मैं प्रैक्टिकली इसको देख रहा हूं, विधायक कोष से सड़कें बनती है। निगम इस महीने में सड़क बना दी, इस महीने में ये जो ये सपोर्ट लगता है नाली के ऊपर, इनको क्या बोलते हैं, इनको खरंजा वो लगते हैं, ये सारे विधायक कोष से लगते हैं। जबकि लगने नगर निगम या यूआईटी या जेडीए वगैरह जो ये संस्था है उनकी मदद, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो क्षेत्र के जो लोग विधायक के टच में होते हैं वो उनसे डिमांड करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करने के बाद में विधायक जी वहां पर इसकी घोषणा करते हैं। ठीक है, तो ये परिपाटी चलती है नेचुरली। कितना सहमत है आप उपेंद्र जी की इस बात से कि विधायकों की इच्छा पर डिपेंड करता है? काफी कुछ सही है, मैं जिस चीज को पहले ही बताया कि ये पैसा सप्लीमेंट करने के लिए, जिस चीज पे पैसा कम पड़ रहा है, चाहे रोड के लिए पड़ रहा हो, चाहे मेडिकल के लिए पड़ रहा हो, चाहे स्कूल के लिए पड़ रहा हो, चाहे और किसी के लिए, ये पैसा विधायक का सप्लीमेंट के लिए है। दुर्भाग्य की स्थिति यह है, जिस सच्चाई को उपेंद्र जी ने बताया उससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम में आपको अपना वोट बैंक का ध्यान रखना ही पड़ता है, आप लोग जाति विशेष में जा रहा है, कहां जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, इन सब चीजों को नकार नहीं सकते। इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि हर साल का एक, जिस तरह से हम एक बजट तैयार करते हैं उस तरह से यदि साल भर का एक रोड मैप तैयार हो जाए, विधायक महोदय अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी जहां भी पर्टिकुलर जगह पे कराना हो, पांच के पास लिमिट है कि अभी 2.25 करोड़ है, 5 करोड़ देते हैं, वेलनगुम 4 करोड़, तो जो भी होता है तो उसका यदि जो साल भर का यदि रोड मैप बना ले और उस हिसाब से यदि घोषणा करके काम कराए। देखिए, पैसा उपयोग नहीं हो रहा है, इट मीन्स लैप्स हो रहा है, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है किसी, खड्डे में नहीं जा रहा वो पैसा सरकार में रह रहा है, इसलिए उसका अपन दुरुपयोग या और कोई चीज नहीं कह सकते। पर क्योंकि 5 करोड़ की मांग कर रहे हैं, 4 करोड़ की मांग कर रहे हैं, 3 करोड़ जो भी कुछ होता है, उस पैसे का उपयोग होना चाहिए, लैप्स नहीं होना चाहिए और उसका पैसे का उपयोग। लेकिन राजेंद्र जी, जरूरतों का क्या, यहाँ पर तो जरूरतें दब गई ना, स्वेच्छा के आगे जरूरतें दब गई, जहाँ पे मुख्य रूप से जरूरत है जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के विकास के लिए, वहां पर तो जरूरतें दब गई। फिर देखिए, जरूरत वाली चीजें तो निश्चित रूप से होती है, अब कम बेस होती है। देखिए, ह्यूमन बींग है, एमएलए जो है वो भी किसी पार्टी विशेष से, किसी और वर्ग विशेष से जुड़ा होता है, वो देखता है कि कहां पर उसको ज्यादा वोट मिला, कहां कम मिला, या आगे मेरे को कहां से ज्यादा वोट मिल सकते हैं, उन सब चीजों को देख करके और वो उस कार्य कराने की घोषणा करता है। सवाल यह है कि हम पब्लिक, देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई बता रहे हैं, उपेंद्र जी ने सच्चाई को उजागर किया है, मैं उनकी बात की तारीफ करता हूं, उनकी वास्तविकता है वो वास्तविकता है। हालांकि विजय जी या विक्रम जी इस बात से सहमत है नहीं है, ये एक अलग बातचीत हो सकती है, पर ये कि जो वास्तविकता है वो वास्तविकता, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखिए,
फिर इसके बाद में आपको देखना ही पड़ेगा कि जो नोडल संस्था है जिला परिषद जो उस कार्यक्रम को इस कार्य को पूरा क्रियान्वित करती, यदि वो सही तरीके से उसको उसकी मॉनिटरिंग करे, सही तरीके से उसमें काम होता रहे, तो शायद जो पैसा सैंक्शन हो उसका तो पूरा उपयोग निश्चित रूप से हो सकता है। होता यह है कि पैसा सैंक्शन होने के बाद भी काम नहीं हो पाते, तो उन चीजों को भी रोकने की कोई न कोई व्यवस्था कोई करनी पड़ेगी। अंजलि अंजलि देखिए समझे, ये पैसा कोई दान का पैसा नहीं है, ये पैसा हर व्यक्ति के है, उस गरीब व्यक्ति के टैक्स का पैसा है जो अपनी बड़ी मेहनत से मजदूरी करके कमा करके सरकार को टैक्स के रूप में दे रहा है। तो ये दान का पैसा नहीं है, किसान भगवान ने पूरा दान दिया, ये बच्चा आम आदमी के मजदूरी का पैसा है, उसके टैक्स का पैसा है, और उस टैक्स के पैसे से हर व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि मेरा जो पैसा है, जो मेरे टैक्स का जो पैसा है, जो उपयोग में लाना विधायक कोष से लाया जा रहा है, वो मेरे सामने आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये कहना कि विधायक कोष का पैसा विधायक की मर्जी है, विधायक के पास कैसे पैसा है भाई, सरकार के पास पैसे कैसे आया? पैसा तो सारा आम जनता का है ना, उस गरीब व्यक्ति का है ना, हर व्यक्ति का है जिसे टैक्स सरकार को दिया है, सरकार के पास सारा पैसा टैक्स का पैसा है जी। तो आप उसको इस तरीके से नहीं ले सकते ना। ठीक है जी, मैं एक आप सिर्फ इधर इनकी बात के ऊपर मैं केवल ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, केवल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का। सुप्रीम कोर्ट ने करीब दो साल एग्जैक्ट मेरे को बताए दो ढाई साल पहले या डेढ़ दो साल पहले एक डायरेक्शन जारी किए थे किसी जनहित याचिका के संदर्भ में। आप देखिए जो हम आज इतनी बात तो कर रहे हैं, विजय गोयल जी इतनी बात कर रहे हैं, आप बताइए जो 30% 40% वोट देने जाते उनके क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वोट नहीं देता, अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करता, उसको क्या अधिकार है जो अपनी चीजों के लिए चीजें सरकार से मांगे कि मेरा ये करो वो करो? हम क्यों नहीं कहते कि सब लोग हम वोट करें, हम किसी को भी जिताएं, ये कोई बंदिश नहीं कि हम इसी पार्टी के या इसी व्यक्ति को एमएलए चुनेंगे, हमको सबको वोट करना चाहिए, हम वोट करने के पीछे पिक पे चले जाते हैं, बातें करने के लिए तो खूब आ जाते हैं, अब 30% 40% लोग वोट करने नहीं जाते, कितनी निराशाजनक दुर्भाग्यहीन स्थिति हमारे देश की। ठीक है, पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। आपसे मैं वही सवाल कर रही हूँ, और मैंने उपेंद्र जी से जैसा कि शुरुआत में ही ये सवाल किया था, विक्रम जी जिस तरह से आप एकजुट हुए हैं सभी दल सिर्फ एक समस्या को लेकर, निधि समस्या को लेकर एकजुट हुए हैं, तब आप एकजुट क्यों नहीं होते हैं जब आम जन की समस्या होती है? हम तो उम्मीद करते हैं कि तब भी आप इसी तरह से एकजुट हों, एक मत में इसी तरह से चिट्ठी लिखें। अंजलि जी, विधायक अगर सारे दल के विधायक या सभी विधायक एकमुश्त हुए हैं तो उनकी मांग क्या है कि हमें अधिक पैसा दिया जाए जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि वो पैसा जाके जनता में लगना है तो वो जनता की विकास का ही तो मुद्दा हुआ, वो उनका व्यक्तिगत विषय नहीं है किसी भी एमएलए का या किसी पार्टी का कि अधिक धन मिलेगा तो वो उनके खाते में आ जाएगा। विकास की बात तो तब भी होती है, तब भी आपको एकजुट होना चाहिए, फिर जनता के विकास की बात नहीं, बहुत विषय मिलेंगे आपको। अगर सदन की बात करें तो सदन में तो बहुत विषय में या दल या सभी सदन की बात सभी सदस्य एकमत होते हैं, तो इसमें ये भी सारा जो पैसा लगता है वो विकास के लिए हंगामे हो रहे हैं जी। उपेंद्र जी, बहुत कम समय बचा है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरविंद जी, सीधे सीधे तौर पर मैं ये कह दूं, शायद पता नहीं मेरी इस बात कहने के बाद में क्या स्थिति होगी, हो सकता है बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाए। बजट बढ़ाने के पीछे मकसद कहीं न कहीं मन में खोट है, और उस खोट का क्या परिणाम निकलेगा ये तो आने वाले दो तीन दिन में शायद स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन यदि हम बात एकजुटता की करें तो बहुत से मुद्दे हैं जिन पर एकजुट होया जा सकता है, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस का मुद्दा उठा विधानसभा में, वो एक ऐसा मुद्दा था, जमीन का मुद्दा, मैं आप मुझे प्लीज दो मिनट दीजिएगा, जमीन का मुद्दा तो जोड़ा गया ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर। पश्चिमी राजस्थान में जिस आदमी के पास 1000 बीघा जमीन है वो जयपुर और दिल्ली के आधा बीघा से भी कम कीमत की है। चलिए, तो वो बेचारा 1000 बीघा जमीन होते हैं कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे विधायक निधि कोष की, जो कि कम पड़ रही है, 2.25 करोड़ आते हैं विधायकों के पास, लेकिन उनको ये 2.25 करोड़ कम लग रहे हैं क्षेत्रों के विकास के लिए। सभी विधायक एकजुट हो चुके हैं, आपसी सहमति से चिट्ठी लिखी जा चुकी है, लेकिन अब यह देखना होगा कि 5 करोड़ रुपए की जो मांग की जा रही है वो कब पूरी होती है, और सबसे बड़ा सवाल क्षेत्र का विकास कब होता है, ये तस्वीरें भी उजागर होंगी जल्द ही। बहुत बहुत इजाजत दीजिए, इस बुलेटिन में इतना ही।